हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एक और टॉपिक करने वाले हैं। पिछले वाले टॉपिक में हम लोग अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है। तो पोटेंशियल निकालेंगे आज हम लोग, किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव। तो आप लोग हेडिंग लगाइए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो केवल अक्ष में और निरक्ष में निकाल रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि अगर वैद्युत द्विध्रुव से किसी भी पॉइंट पर अगर पूछ लिया जाए तब पोटेंशियल का मान कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव मानेंगे, ठीक है। एक लेंगे वैद्युत द्विध्रुव, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पे क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के यहाँ पे मान लेते हैं एक निगेटिव चार्ज है और एक क्या है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, बराबर परिमाण के और विपरीत आवेश होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बराबर और परिमाण में बराबर और आवेश जो है विपरीत ले लिए हैं। यहाँ पे इस पॉइंट को मान लेते हैं कौन सा पॉइंट है, ए है, और ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है। तो हमें निकालना है किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल। तो उसको निकालने के लिए इस वैद्युत द्विध्रुव से हम लोग दूर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पर पोटेंशियल हमें निकालना है। तो मान लेते हैं इससे दूर कोई पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं क्या है, पी है, ठीक है। एक पॉइंट क्या है, पी है, और इस पी पॉइंट पर हमें निकालना है क्या पोटेंशियल। इसका नामकरण कर देते हैं भाई, इसका नामकरण हो गया, इसका नाम क्या है, पी पॉइंट। अब जो वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, इस बिंदु को मान लेते हैं क्या है, ओ है। और एक बात और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उनके बीच की दूरी क्या होती है, 2L होती है, ठीक है। और जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु से दोनों आवेशों की जो दूरियाँ होती हैं वो समान होती हैं। तो ये दूरी कितना हो जाएगी, L हो जाएगी, ये भी दूरी कितना हो जाएगी, L हो जाएगी। चित्र को बहुत ध्यान से समझना है, अगर चित्र समझ में आ गया तो पूरा डेरिवेशन एकदम आसान हो जाएगा, ठीक। तो मान लेते हैं जो P पॉइंट है वो वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु O है उससे कितनी दूरी पर, मान लेते हैं इसको R दूरी पर स्थित है, ठीक है। ये दूरी कितना है, R है, यानी O पॉइंट से P पॉइंट की जो दूरी है वो कितना है, R है। और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है उसका फार्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू अपान में होता है आर। ये फार्मूला अप्लाई होगा किसी आवेश पर जब आवेश से हमें क्या पता हो, दूरी पता हो जिस पॉइंट पर विभव निकालना है। तो हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट पी और क्यू के बीच की दूरी, यानी दोनों आवेशों से इस पी पॉइंट की दूरी चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग दूरी निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं ये जो ए आवेश है इससे पी पॉइंट को मिला लेते हैं, और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, बी से मिला लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया कितना, ठीक, ए से पी पॉइंट और बी से पी पॉइंट को क्या करेंगे, दोनों को मिला लेंगे। अब इस चित्र को बहुत ध्यान से समझना, इसको सॉल्व करने के लिए हमें बी से पी तक की दूरी चाहिए और ए से पी तक की दूरी चाहिए। अगर ये दोनों दूरी निकल गई तो पूरा डेरिवेशन एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें लगाएंगे हम लोग जुगाड़। वो जुगाड़ कैसा होगा, देखो जो यहाँ पे पी ओ रेखा है इसको हम लोग थोड़ा सा पीछे लेकर आएंगे, इसको थोड़ा सा पीछे ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। इस लाइन को क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ा देंगे, और बढ़ाने के बाद ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से ये जो रेखा उससे हम लोग पीछे की ओर बढ़ाए हुए हैं ना, इस पर एक परपेंडिकुलर लेंगे, एक लंब खींचेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे लंब उसका कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है लंब का, इसको मान लेते हैं कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है। तो जहाँ पे हम लोग लंब डालेंगे ना, ये यहाँ पे जो कोण बनेगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90° का कोण बनेगा ना।
उसके बाद क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ए से हम लोग यहाँ पे लंब डाले ना, उसी तरह क्या होगा बी पॉइंट से जो रेखा ओपी है उस पर भी लंब डालेंगे। ये लंब क्यों डाला जा रहा है भी आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी एक लंब डालते हैं बी पॉइंट से रेखा किस पर, एपी पर एक लंब और डालेंगे। अब जब लंब डालेंगे तो इसका भी नाम इस पॉइंट का रख देते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर कोण कितना बनेगा भाई, यहाँ पे जो कोण आएगा वो भी होगा कितना, 90 उसका कोण बनेगा, ठीक। अब देखिए इसमें अगर इस कोण को हम लोग मान लें कितना है, थीटा है, ये वाला कोण कितना थीटा है, तो बीच गणित कहता है क्या, ये अगर थीटा है तो शीर्षाभिमुख कोण भी ये बराबर होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यानी ये कोण दोनों हो जाएंगे बराबर। अब ध्यान से देखिए इसमें लंब क्यों डाला गया, हम B से P तक की दूरी तो ऐसे निकाल नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्या किए, B से C पर एक लंब डाल दिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो B है P है और जो C पॉइंट है और P पॉइंट है दोनों क्या होंगे बराबर। अगर इसको थोड़ा अलग से लेकर हम लोग बनाएं तो ये जो पॉइंट है ना ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसे है और ऐसे कुछ बना हुआ है, इस तरह से ऐसे कुछ बना हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे ना तो ये बी पॉइंट है हमारा, ये ओ पॉइंट है और सॉरी ये कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है और यहाँ पे जो कोण बना है वो कितना है, 90 है। आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो रेखा है ना सी पॉइंट के बाहर इतनी, ये रेखा बढ़ी हुई रेखा है, ये लंबाई क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो बी पी की लंबाई है वो सी पी के क्या है, बराबर है, ठीक है। बी पी की लंबाई क्या है, सी पी के बराबर है, यानी बी पी बराबर हो जाएगा किसके, सी पी के। उसी तरह यहाँ पर अगर देखें तो जो ए पॉइंट है और जो P पॉइंट है और जो D पॉइंट है और P पॉइंट है ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ देखिए जो BP है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ये जो BP है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा CP के बराबर हो जाएगा, किसके, CP के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और थोड़ा सा इसमें सोचिए, यहाँ जो टोटल दूरी है P से लेकर O तक की दूरी कितना हम लोग मान लिए थे, R मान लिए थे, और यहाँ पे जो BP है वो किसके बराबर है, CP के बराबर है। अगर यहाँ पे जो टोटल दूरी है कितना, टोटल दूरी जो है, इस टोटल दूरी में से इतनी दूरी को हम लोग गायब कर दें तो केवल कितना बचेगा, CP दूरी बच जाएगी और वो CP किसके बराबर हो जाएगी, BP के। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको टोटल लिखेंगे ओ पी और उसमें से क्या घटा देंगे, ओ सी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, ओ पी और इसमें से घटाना किसको है, इसमें से घटाना है ओ सी को, ठीक है। ओ से लेकर पी तक की जो दूरी है उसमें से हम लोगों ने किसको घटा दिया, ओ सी को। जब इतना घटा देंगे तो ये बी पी और सी पी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए जो सेकेंड वाला है, ए पी जो है, जो ए पी का मान है, ए पी जो है वो किसके बराबर है, जो ए पी है वो बराबर है किसके, डी पी के, किसके बराबर है, डी पी के क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे थोड़ा और ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ जो ए पी है वो बराबर है किसके, बी पी और डी के। तो यहाँ तक की दूरी तो हमें पता है, यानी पी से लेकर ओ तक की दूरी मालूम है कितना है, आर। अगर उस R में O और D जोड़ दें तो टोटल दूरी हमें मिल जाएगी, P से D तक की दूरी मिल जाएगी। तो ये लिखेंगे कितना, इसको लिखेंगे O P और इसमें जोड़ना कितना है, O D, इसमें कितना जोड़ देंगे, O D। अगर इतना जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, AP और DP के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जरा देखिए इसमें कुछ वैल्यू तो हमें पता है, जैसे OP की जो वैल्यू है वो मालूम है, OP की वैल्यू कितना है, R है। इसमें भी OP की वैल्यू पता है कितना है, R है। अब हमें चाहिए OC और OD की वैल्यू, तो यहाँ से दोनों की वैल्यू निकालते हैं कितना आएगा। देखो हम लोगों ने जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है उसमें ये क्या होता है, 90 होता है, ये क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। तो जो 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है, और जो कोण के सामने की भुजा होती है वो होती है लंब, ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और जो भाई बचा खुचा होगा ना वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्रियाकलाप इसमें लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या, ये 90 है, 90 के सामने की भुजा ये जो दिख रही है ना ये क्या हो जाएगी,
कर्ण हो जाएगी, ठीक। और जो यहाँ पे कोण है, कोण के सामने की भुजा क्या होगी, ये कोण के जो सामने की भुजा है ये हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे जो ये बची हुई भुजा है ना, ये आधार हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। इसी तरह अगर इसमें देखेंगे तो ये कोण के सामने की जो भुजा है ये लंब बनेगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और 90 अंश के सामने की जो भुजा है वो क्या बनेगी, कर्ण बन जाएगी। और यहाँ पे जो एक बची हुई भुजा ये है, ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, ये लंबाई चाहिए, ये लंबाई यानी OD की लंबाई चाहिए, और किसकी लंबाई चाहिए, OC की लंबाई चाहिए। तो इसको निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे त्रिकोणमिति, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे मान, तो ये होगा देखो cos थीटा, अगर इस वाले त्रिभुज में लगाएं, ये त्रिभुज कौन सा है, इस त्रिभुज का नाम ले लिया जाए भाई DA, कितना है, O है, त्रिभुज DAO में, ठीक है, DAO में कितना होगा, यहाँ पे cos थीटा बराबर, ठीक है, होता कितना है, आधार बटे होता है कर्ण, कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो जरा इसमें आधार देखो कितना है, जो आधार है वो कितना है, OD है, आधार कितना है, OD है, तो यहाँ पे हो जाएगा OD। और उसके बाद कर्ण जो है वो कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान है AO, कर्ण का मान कितना है AO, ठीक है। अगर दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखें, ये OD का तो मान निकालना ही है, यहाँ पे AO का मान अगर रखें तो cos थीटा बराबर आएगा OD बटे में कितना, AO के स्थान पे कितना निकल के आएगा, तो AO के स्थान पे आएगा कितना, L, ठीक है, A से लेकर O तक की दूरी कितना है, L है, ये cos थीटा की वैल्यू है। अब यहाँ से OD को अगर निकालेंगे तो OD बराबर आएगा, इस L का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L cos थीटा, ठीक है, ये आ गया कितना, OD का मान आ गया ना। इस OD का जो मान है, अगर इस मान को इसमें रखेंगे तो ये आएगा, OP का मान तो हमें पता है, O से P तक की वैल्यू है कितना, R है, उसमें अगर OD का मान रखेंगे तो हो जाएगा L cos थीटा, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो AP था या जो DP था, AP की वैल्यू देखो हमें मिल गई है, या कह सकते हैं DP की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है ना, तो यहाँ पे AP की वैल्यू मिल गई है। अब इसी तरह हम लोग निकाल लेते हैं इस वाले का मान कितना होगा, तो सेम है, अगर यहाँ पे त्रिभुज लेंगे तो CB कितना हो जाएगा, O हो जाएगा, दूसरे त्रिभुज में CBO में अगर देखें तो CBO में कितना बनेगा, सेम है यही उसमें भी आएगा, तो लिखेंगे OC बराबर L cos थीटा, जैसे इसमें पूरी क्रिया किए हैं वैसे इसमें भी करेंगे, तो कितना आएगा, OC बराबर L cos थीटा। इस वैल्यू को कहाँ पे रखेंगे, इसमें रखेंगे तो इसका मान निकल के आ जाएगा कितना, R माइनस L cos थीटा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, ये दूरी चाहिए थी, यानी बिंदु A से P तक की दूरी चाहिए थी, अब बिंदु B से P तक की दूरी चाहिए थी, और ये दूरियां हम लोगों ने निकाल ली हैं। और अगर आवेश से, और जिस बिंदु पर हमें निकालना है, ठीक है, जो आवेश दिया गया है वो आवेश, और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, अगर उनके बीच की दूरी पता हो तो पोटेंशियल को बहुत आसानी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्या किया जाए, ए से पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लिया जाए और बी से पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लिया जाए, क्योंकि दूरी हम लोगों ने निकाल ली है। तो निकालते हैं यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर विभव, जो विभव का मान होगा, मान लेते हैं कितना है V1, तो V1 बराबर आएगा कितना, हो जाएगा 1/4πε0 × K, ठीक है, अगर किसी मीडियम में है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे K, और हो जाएगा यहाँ पे कितना Q/ B से P तक की दूरी चाहिए, तो B से P तक की दूरी कितना हो जाएगी, R माइनस L cos थीटा, ठीक है। इसी तरह हम लोग दूसरे आवेश के लिए लिखेंगे, दूसरा आवेश कितना है, माइनस Q, ठीक, तो माइनस क्यू जो हमारा आवेश है, दूसरा क्या है, माइनस क्यू आवेश, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश, आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, बिंदु पी पर विभव, ठीक है,
जब उसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा वी टू बराबर वन अपान में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे आएगा क्यू अपान में दूरी। तो दूसरा चार्ज यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और ए से पी तक की जो दूरी आई है, ए से पी तक की दूरी कितना है, आर प्लस एल कॉस थीटा, तो यहाँ पे होगा आर प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो आप लोग जानते हो क्या करना है, इसके बाद क्या निकालना है, परिणामी निकाल लेना है दोनों का, रिजल्टेंट क्या होगा। तो जो परिणामी विभव निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका जो परिणामी विभव होगा, तो परिणामी विभव के लिए भाई थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है। चलिए, तो परिणामी विभव होगा दोनों का योग हो जाएगा भी बराबर भी वन प्लस में भी टू, भी बराबर कितना होगा भी वन प्लस भी टू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, भी वन प्लस में भी टू। अब यहाँ पे भी वन और भी टू का मान रखना है, तो जरा आप लोग ध्यान देना, भी वन जो है उसमें भी वन पॉइंट फोर पाइव साइलेंट नाट के, और इसमें भी वन पॉइंट फोर पाइव साइलेंट नाट के, दोनों में कॉमन हो जाएगा, और क्यू भी दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो लिखते हैं कितना, पहले जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा वन अपान में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ऊपर क्यू भी कॉमन है तो ये हो जाएगा क्यू। अब बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे कितना, यहाँ पे बचा कितना है वन अपान में आर माइनस एल कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा वन अपान में आर माइनस एल कॉस थीटा। और क्या बचा है, यहाँ पे बचा है माइनस, ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस जब टकराएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा वन अपान में आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, इनको जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा कितना, क्यू अपान में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद जब इसका मल्टीपल यहाँ पे होगा तो ये माइनस वाला इस आर को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, कितना हो जाएगा एल कॉस थीटा। और बटे में देखो यहाँ पे एक फार्मूला जो बचपन से पढ़ते आए हो, कौन सा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बना देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू कैंसिल होगी उसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आर से आर। यहाँ पे एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा कितनी बार है, दो बार है, दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे तो आएगा निकल के कितना, क्यू अपान में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के। जैसे ही ये जुड़ेगा, ये जुड़ करके हो जाएगा एल कॉस थीटा, कितना होगा एल कॉस थीटा, और बटे में बचेगा कितना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना बचेगा। अब इसके बाद जो है हम लोग बस निकलने वाले हैं, यहाँ डेरिवेशन कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे देखिए जो टू है, क्यू है, एल है, इनको अगर मिलाएंगे एक साथ तो ये बनता है वैद्युत द्विध्रुव। क्या बनता है, वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों को आपस में लिखेंगे तो P बराबर कितना होता है, P बराबर होता है 2QL। ठीक है, तो जहाँ पे 2QL बन रहा है, यहाँ पे 2QL बन रहा है, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे P, तो यह आएगा 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इंटू आ जाएगा P, और अपान में कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक, तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं। यहाँ पे आएगा देखो, जहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ये एल की वैल्यू क्या होती है, आर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी होती है, और एल स्क्वायर का मान और भी छोटा हो जाएगा, तो एल कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो यहाँ पे इनको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो आएगा कितना, लिखेंगे पहले जो आर स्क्वायर है वो बड़ा होगा किससे, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, तो इसको हम लोग ना के बराबर, जिसको निगलेक्ट बोलते हैं ना, इसको ना के बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर करेंगे लगभग, तो ये आएगा कितना, वन अपान में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू, यहाँ पे कितना है पी है, और बटे में कितना है, यहाँ पे केवल और केवल कितना बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर कॉस थीटा भी बचेगा, और यहाँ पे कितना आएगा, आर स्क्वायर।
ये हो जाएगा किसका मान, जो इतनी देर से हम लोग निकाल रहे थे, ठीक है। किसी भी बिंदु पर अगर निकाला जाए वैद्युत ध्रुव के कारण पोटेंशियल, तो B बराबर आएगा 1/4π0 × P cos θ / r². अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक समझने वाली, जो इसके पहले हम लोगों ने डेरिवेशन किया था अक्षीय स्थित और निरक्षीय स्थित में, वो डेरिवेशन यहीं से भी आ सकता है। तो कैसे होगा देखो, यहाँ पे है cos थीटा, ठीक है। इस cos थीटा का मतलब है हम लोग यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर निकाले हुए हैं, अगर इसको अक्ष में माने, मतलब कि अगर वैद्युत द्विध्रुव, थोड़ा नोट करके इसे लिखो, यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव है ना, ऐसे कुछ लिए हैं हम लोग, यहाँ पे है माइनस क्यू और यहाँ पे कितना है प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ पे जो कोण कितना था, थीटा था, ये कोण कितना था, थीटा था। अगर इस कोण को जीरो कर दें, यानी पी पॉइंट को इसके अक्ष में लेकर चले आए, इसको कहाँ लेकर चले आए, इसके अक्ष में लेकर चले आए, तो ये पॉइंट कुछ ऐसे बन जाएगा, पी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और थीटा बराबर उस कंडीशन में कितना होगा, जीरो। जैसे ही यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये भी बराबर निकल के आएगा 1/4π0 × K, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इंटू के, इंटू कितना हो जाएगा, पी कॉस जीरो। और कॉस जीरो का मान आप जानते हो कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा भी बराबर 1/4π0 K हो जाएगा P/r². अब जरा देखो, जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था अक्षीय स्थित के लिए, यही फार्मूला उसमें भी आया था, यही फार्मूला इसमें भी आ रहा है। तो किस कंडीशन में होगा, जब थीटा बराबर हो जाएगा जीरो। अगली केस अगर देखें हम लोग, अगर इस थीटा को ले चलें 90 पर, यानी वैद्युत द्विध्रुव कहाँ पे हमारा, ये है माइनस क्यू, ये है क्या है प्लस क्यू है, यहाँ पे जो पॉइंट था वो पी पॉइंट था थीटा कोण पर। अगर इस थीटा को ऐसा कुछ करें कि ये बन जाए कितना 90, तो जब ये 90 बनेगा तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितना आएगी, 90 हो जाएगी, यानी हम लोग पहुँच जाएंगे कहाँ पे, निरक्षीय स्थित में। तो निरक्षीय स्थित में ये पी पॉइंट इधर मूव कर जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ के लिए जो फार्मूला निकल के आएगा, इस फार्मूले में जहाँ पे थीटा है वहाँ पे रखेंगे कितना 90। तो जब ये 90 होगा तो कॉस 90 का मान कितना होता है, जीरो हो जाता है, और ये टोटल टर्म ही हो जाएगा जीरो, तो यानी यहाँ निकल के आएगा भी बराबर जीरो। ये कौन सी कंडीशन थी, तो ये कंडीशन थी निरक्षीय स्थित में। तो निरक्षीय स्थित में जो पोटेंशियल होता है कितना आता है, जीरो आता है, और जो अक्षीय स्थित में पोटेंशियल होता है कितना आता है, 1/4π0 × P / कितना होता है, r² होता है, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को आप लोग अच्छे से नोट करिए अपनी कॉपी में और इसका एक बार रिवीजन करिए, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।